नया प्राथमिक विद्यालय तेलमोचो अंसारी टोला जो कि धनबाद जिला बागमारा प्रखंड के अंतर्गत आता है, जिसमें राहुल कुमार महतो एवं उसके जैसे 121 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। इस स्कूल से सटा तालाब की गहराई करीब 10 फीट है, लेकिन इस स्कूल में चार दीवारी नहीं है, जिसके कारण इन छोटे छोटे बच्चों को कभी भी डूबने का खतरा हो सकता है। तुम लोग स्कूल में खाना कहाँ बनता है? बरंदा। चार दीवारी है? नहीं, चार दीवारी नहीं है तो इसके कारण क्या क्या समस्या होती है? पानी गिरता है तब तालाब भर जाता है, स्कूल के सामने आ जाता है, गाय बकरी बैल घुस कर बरना में कचड़ा गंदा कर देते। ये 2002 से चल रही है अभियान। 2002 में अभियान था, 2005-06 के सेशन में ये उत्क्रमित होकर नया प्राथमिक बना। बहुत समस्या आते हैं, किचन में रहता तो अच्छा होता है, यहाँ बरंडा में चूल्हा बुझता था, चूल्हा नहीं जलता है अच्छा से, बच्चा को डिस्टर्ब होता है यहाँ खाना बनाने के लिए, बरसा दे तो बैल यहाँ बहुत गंदा हो जाता है। हम लोग यहाँ सरते हैं ना तो डरता है, और यहाँ बैठते हैं तो फिर भी डरता है, और हम लोग यहाँ खेलते हैं तो बोलता है ना से तुम यहाँ क्यों खेल रहे हैं, मेरे ये लोग गिर जा रहा है। मेरे यहाँ समस्या ये है कि समिति द्वारा जो दान दिया गया था मात्र 5 डिसमिल है, जो करीब करीब 3.5 या 4 डिसमिल में मेरे बिल्डिंग ही बन गया है, जिस कारण से किचन सेट जो मेरा आया था वो किचन सेट भी हमको वापस करना पड़ा, क्योंकि मेरा ज़मीन उपलब्ध नहीं था। और सबसे गंभीर समस्या है कि मेरे तालाब मेरे किनारे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, बरसात के सीजन में पानी भर जाता है, भरने के कारण हमको डर लगता है कि कहीं बच्चा तालाब के किनारे डूब न जाए। 2 साल पहले भी अप्लाई किए थे, अप्लाई किया करते करते सिर्फ सरकारी स्कूल को बाउंड्री वॉल मिल सका, बाकी बागमारा प्रखंड में जहाँ तक मेरा नज़रिया है कोई भी NPS नया प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वॉल अभी तक नहीं मिला है। इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि कम से कम बाउंड्री वॉल कम से कम दिला दीजिए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाई क्योंकि इस स्कूल में पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं और अत्यंत गरीब बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि इस स्कूल में चार दीवारी और रसोई घर बने ताकि बच्चों का खाना बनने में कोई दिक्कत ना हो और तालाब से कोई खतरा ना हो। इसके लिए मैं आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से विनम्र अपील करती हूं कि आप हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बागमारा श्री मोतीलाल राम को संपर्क नंबर 09551741 76 पर फोन करके इस समस्या से अवगत कराएं ताकि जल्द से जल्द इस स्कूल में चार दीवारी और रसोई घर बन सके। मैं भारती तेलमोचो धनबाद झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।